वेलकम व्यूअर्स, नेक्स्ट हम जो देखने जा रहे हैं रिएक्शन वो है एल्काइंस। एल्काइंस यू नो इनका जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n-2, यानी टू हाइड्रोजन्स लेस देन एल्कीन्स। तो इनका जो सिंपलेस्ट हम मेंबर पढ़ते हैं दैट इज इथाइन और एसिटाइलीन। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे इनके जनरल मेथड्स ऑफ प्रेपरेशन। आपको पता है यहाँ ट्रिपल बॉन्ड है, दो पाई और एक सिग्मा बॉन्ड है कार्बन टू कार्बन, ठीक है, जिसकी वजह से दोनों कार्बन बहुत करीब हो जाते हैं। सबसे पहले हम जनरल मेथड्स ऑफ प्रेपरेशन फॉर अल्काइंस डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसमें सबसे पहला मेथड है हमारा डीहाइड्रो। डी का मतलब रिमूवल, हाइड्रो का मतलब किसकी, हाइड्रोजन की, हाइड्रोजन की रिमूवल एंड हैलोजिनेशन, यानी दोनों की रिमूवल, हाइड्रोजन और हैलोजन की रिमूवल, जैसा कि नाम से जाहिर है। लेट्स से जी हमारे पास कोई सिंपल सा डाइहेलाइड है विसिनल, ये देखें ये विसिनल डाइहेलाइड है, वो हेलाइड जिसके विसिनल कार्बन, करीब करीब कार्बन, एडजेसेंट कार्बन पे हैलोजन हो, दैट इज कॉल्ड विसिनल डाइहेलाइड। तो होगा क्या कि हम इसमें एल्कोहलिक KOH डालेंगे बेस की मौजूदगी में, ठीक है, एल्कोहलिक KOH हमारा स्ट्रॉन्ग बेस है एल्कोहल की मौजूदगी में, 2HX बेसिकली यहाँ से हम रिमूव कर देंगे। पहला HX आसानी से रिमूव हो जाता है, लेकिन दूसरा HX बहुत मुश्किल से रिमूव होगा, उसके लिए हमें ड्रास्टिक कंडीशंस की ज़रूरत होगी। अच्छा होगा क्या, पहले हम इस H और X को रिमूव करेंगे तो कार्बन टू कार्बन डबल बॉन्ड आ जाता है, फिर हम इस H और X को रिमूव करेंगे तो हमारे पास कार्बन टू कार्बन ट्रिपल बॉन्ड आ जाएगा। तो इस तरह से हमारे पास एल्काइन तैयार हो जाती है, कार्बन टू कार्बन ट्रिपल बॉन्ड आ गया हमारे पास। डी हाइड्रो हैलोजिनेशन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन एंड हैलोजन फ्रॉम एडजेसेंट कार्बन, हमने डाइहेलाइड लेना है। लेट्स से जी हमारे पास ये है CH2Br और CH2Br, अगेन हम KOH यूज़ कर लेते हैं। लेट्स से हम KOH यूज़ कर रहे हैं जी, मैं इधर KOH यूज़ करता हूँ, ठीक है। तो ये वाला रिएक्शन हम अल्कोहल की मौजूदगी में अल्कोहलिक KOH यूज़ करते हैं, यानी ये वाला बेस, ये OH जो है इस पार्शियली पॉजिटिव कार्बन पे, हाइड्रोजन पे अटैक करता है, ये अटैक करेगा इधर, इसका बॉन्ड इधर शिफ्ट होगा, ठीक है, ये हाइड्रोजन यहाँ से एज ए वाटर रिमूव हो जाता है, ठीक है। तो बाकी का मैं अगर कंपाउंड लिखूँ तो ये होगा CHBr डबल बॉन्ड, क्योंकि ये बॉन्ड इधर शिफ्ट हो गया। और नेक्स्ट क्या होगा आपके पास, क्योंकि यहाँ पे 1, 2, 3, 4 और ये डबल बॉन्ड भी आ जाए तो 5 बॉन्ड हो रहे हैं, जिसकी वजह से यहाँ से ब्रोमीन को फारिग कर दिया जाएगा, जो कि के साथ मिलकर KBr बना देगा, के साथ मिलकर KBr बनाएगा। अब नेक्स्ट स्टेप भी आप इसी तरह कर लो, ये आपके पास है CHBr डबल बॉन्ड CHH, ये आपकी आसानी के लिए लिखा गया KOH, दिस न्यूक्लियोफाइल अटैक्स दिस पार्शली पॉजिटिव आर एसिडिक हाइड्रोजन, यहाँ से हम इस पर अटैक करवा देते हैं, तो ये बॉन्ड इधर शिफ्ट होता है, यहाँ 4 बॉन्ड पूरे हो जाते हैं, ब्रोमीन को यहाँ से फारिग कर दिया जाता है, वी गेट CH ट्रिपल बॉन्ड CH, ठीक है, CH ट्रिपल बॉन्ड CH, जबकि अगेन H और Br हटा दिया गया, K जो है वो Br के साथ जाएगा और H जो है वो OH के साथ जाएगा, तो वाटर हमें मिलेगा। तो ये डबल टू टाइम हमने एलिमिनेशन रिएक्शन करवाया है। आप इस तरह कोई और प्रोडक्ट भी डायरेक्ट भी लिख सकते हैं हाइड्रोजन और हैलोजन की रिमूवल से, दिस इज कॉल्ड डीहाइड्रो हैलोजिनेशन रिएक्शन। दिस रिएक्शन इज यूज टू प्रिपेयर
एल्काइंस। नेक्स्ट रिएक्शन जो है दैट इज डी हेलोजिनेशन ऑफ टेट्राहेलाइड्स, डी हेलोजिनेशन ऑफ टेट्राहेलाइड्स। ये रिएक्शन अगर देखा जाए तो बेसिकली बहुत अहमियत का हामिल नहीं है। उसकी वजह यह है कि टेट्राहेलाइड बजाते खुद हम अल्काइन की हेलोजिनेशन करके बनाते हैं, तो फिर उससे हम अल्काइन बनाने जाएं तो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है ये रिएक्शन, इन अ सेंस कि सिंथेसिस के हवाले से मैं बात कर रहा हूँ। तो आप कोई टेट्राहेलाइड ले लें, लेट्स से ये आपके पास टेट्राहेलाइड है, आप इसका रिएक्शन किसी मेटल के साथ करवा दो, रिएक्टिव मेटल होनी चाहिए लाइक मैग्नीशियम और जिंक। तो मैग्नीशियम जो है एक दफ़ा ये दोनों एचेस एक्स हटा के ये हमें मिलेगा सी एच डबल बॉन्ड सी एच एक्स एक्स। ये मैं एक स्टेप लिख रहा हूँ जब मैग्नीशियम इसके दो हैलोजन हटा देगा दीज वंस। अगले स्टेप में मैं कहता हूँ सी एच डबल बॉन्ड सी एच है, तो अगले स्टेप में ये दो हैलोजन मैं कहता हूँ मैग्नीशियम के साथ यहाँ से रिमूव हो जाते हैं, तो वी विल गेट सी एच प्लस योर एम जी एक्स टू। ठीक है, हमें इथाइन मिला। इसी तरह आप कोई और रिएक्शन भी यहाँ पे यूज़ बना सकते हो। मतलब हमारे पास ये वाला टेट्राहेलाइड है, मतलब आपके पास यहाँ भी बी आर है, यहाँ पे भी बी आर है। ठीक है, तो लाइकवाइज हमारे पास यहाँ भी बी आर है और यहाँ भी बी आर है। ठीक है, हम क्या करते हैं इसमें, हम इसके अंदर एक और मेटल इस्तेमाल कर लेते हैं, जिंक यूज़ करते हैं। जिंक एक दफ़ा दो ब्रोमीन हटाएगा तो डबल बॉन्ड आ जाएगा। ये देखें सी एच थ्री सी बी आर, एक मैं कहता हूँ ये बी आर और ये बी आर हट गया जी, तो हमारे पास क्या बन जाएगा, ये बी आर और ये बी आर हम दोनों हटा देते हैं, ऊपर वाले दोनों बी आर हमारे पास बचे हुए हैं। तो नेक्स्ट हमें क्या मिला, जेड एन बी आर टू। इसी तरह अगले रिएक्शन में सी एच थ्री सी बी आर डबल बॉन सी एच बी आर, फिर आपका जिंक एक्टिव होता है, दोनों ब्रोमी उतार लेता है, तो यू विल गेट एन अल्काइन दैट इज योर प्रोपाइन एंड जेड एन बी आर टू इज योर बाय प्रोडक्ट। तो मैंने बताया कि ये रिएक्शन सिंथेसिस पॉइंट ऑफ व्यू से इतना हम नहीं है, क्योंकि हम टेट्राहेलाइड्स को तो हम खुद डी हेलोजिनेशन से हासिल करते हैं अल्काइन की, तो फिर उसको वापस लेके आना कोई इतना टेक्निकली या सिंथेसिस पॉइंट ऑफ व्यू से ये रिएक्शन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है इन अ सेंस। बाकी ये नहीं मैं कह रहा कि करने के लिहाज से ये इंपॉर्टेंट नहीं है, मैं लेबॉरेटरी के हिसाब से कह रहा हूँ कि ये रिएक्शन थोड़ा कम यूज़ होता है। तो ये थी हमारी दो प्रेपरेशन एल्काइंस की, जिसमें हमने डीहाइड्रोहेलोजिनेशन सीखी और ये हमने डीहेलोजिनेशन ऑफ टेट्राहेलाइड सीखा। यहाँ पे आप टू टाइम एलिमिनेशन करते हो, दो वाटर मॉलिक्यूल और दो के बी आर मॉलिक्यूल या के एक्स मॉलिक्यूल हासिल करते हो और साथ हमें एल्काइन मिलता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।